हमीरपुर जिला के बड़सर के गांव डुगाड़ को सड़क सुविधा में बाधा डालने पर ग्रामीणों ने डीसी हमीरपुर से मुलाकात करके समस्या के हल करने की गुहार लगाई है। ग्रामीणों के प्रतिनिधि मंडल ने आरोप लगाया है कि सरकारी भूमि को गांव के ही दो व्यक्तियों ने अड़ंगा लगाने के कारण सड़क का काम रुका हुआ है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को चेताया है कि अगर गांव को सड़क सुविधा नहीं मिली तो ग्रामीण भूख हड़ताल करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ग्रामीणों का कहना है कि दो लोगों की वजह से पूरा गांव सड़क सुविधा से महरूम रह रहा है, जिस कारण गांव में वाहन और बाइकें तक नहीं जा सकती हैं। सड़क नहीं होने से लोगों को आवाजाही करने में दुविधा होती है। ग्रामीणों ने बताया कि करीब दो दशकों से गांव को सड़क सुविधा से महरूम रहना पड़ रहा है, जिसके लिए दो व्यक्ति जिम्मेदार हैं। उन्होंने बताया कि अगर सड़क बनाने के लिए प्रशासन भी कुछ नहीं करता है तो ग्रामीण आंदोलन करने पर भी मजबूर हो जाएंगे। हुआ कि पिछले बार लोगों को उठाना पड़ता तो रास्ते में क्या है एक्सपायर हो गए, लेकिन उस समय पे मतलब अस्पताल नहीं पहुंच पाए, इसकी वजह से कई लोग ऐसे ही एक्सपायर हो गए। उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, उनकी गाड़ी घर तक जाती है, गाड़ी उनकी सामान उतरा, गाड़ी बाहर उन्होंने अपने पे बंद कर देते हैं, बाड़ लगा देते हैं, बंद कर देते हैं रास्ता, सिर्फ अपने लिए रखा उन्होंने जो रास्ता घर तक है, बाकी लोगों को कोई सुविधा नहीं है। बच्चे स्कूल जाते हैं उसके लिए भी 1 किलोमीटर ऊपर जाना पड़ता है, अड्डा नहीं है, गाड़ी मुड़ने की जगह नहीं, बैक आती है गाड़ी, बच्चों को सुबह जाना पड़ता है, फिर माँ बाप को दोबारा वहाँ जाके लाना पड़ता है। अभी 2 दिन पहले उन्होंने पूरे रास्ते में मिट्टी डाल दी, अभी उसके मेरे पास फोटो भी हैं, अगर आप चाहते तो आपको वीडियो और फोटो भी दे दूंगा मैं। तो उन्होंने बिल्कुल रास्ते में उसको कच्चा ही बना दिया, अभी 2.5 महीने हुए उसको रिपेयर हुए पूरे। हमारा यही है कि अगर सड़क नहीं बनती है, अगर डी साहब बोलते कि नहीं बनेगी, तो हम सड़क को जहाँ से ऊपर से जहाँ से शुरू है वहाँ से बंद कर देंगे, ताकि सबको क्या है एक ही जगह पे जाना पड़े, चाहे वो नीचे रहता है चाहे वो ऊपर रहता है, लेकिन फैसिलिटी होगी तो सबको होगी, नहीं किसी को नहीं होगी, सबको बराबर रहेगा। रोड हमारा बंद कर देंगे, नहीं तो नहीं होगा तो हम यहाँ पे भूख हड़ताल कर देंगे, हमारा ये मकसद है। अगर रोड होगा तो गांव तक होगा, नहीं तो ऊपर से बंद हो जाएगा, किसी के लिए फैसिलिटी नहीं होगी। ये क्या है, गांव में एक बंदे को फैसिलिटी है, बाकों के लिए वही सेम है, उनको रोड का कोई फायदा नहीं है। अभी उन्होंने मिट्टी डाली, रोड में गाड़ी पास नहीं रह सकती, गाड़ी 1 किलोमीटर पहले बैक आएगी, सामान उतारेगी, फिर वापस जाएगी, क्या फायदा उसका। कई बार बोला फाइल गुम होगी, कई बार ये हो गया, दबा दिया गया उनको। अब ये है कि अभी रास्ता नहीं बनेगा तो हमारा एक ही मकसद है कि हम रोड बंद कर देंगे, हमें रोड चाहिए नहीं, रोड हमारा एक ही उद्देश्य, या तो रोड गांव तक होना चाहिए पूरा, ताकि हर बंदे को फैसिलिटी मिले जो गांव में रह रहा है या ऊपर रह रहा है। ये नहीं कि एक बंदा फैसिलिटी ले रोड का, बाकियों को 1 किलोमीटर दूर जाना पड़े, तो क्या फायदा रोड का। मौके पर देखें, हाँ, और हमारे यहाँ एक बार मौके पे देखें तब उनको पता चलेगा कि हमारी जो इतने बंदे इकट्ठे हुए हैं ग्रामवासी खड़े हुए हैं और हमारे रास्ते को देखें, ये सही बात के लिए खड़े हुए हैं, तो हमारे यही आदेश है या रिक्वेस्ट है इस मोदी से, एक बार चले और मौका देखें और उसके अनुसार कार्रवाई करें। हमारे भी है, चाहे 3 साल हो गए, कोई रास्ता नहीं, कुछ नहीं, हमें वैसे ही मजबूरी है, सबको पता है, इसलिए आया हूँ। महिलाओं ने बताया कि गांव को आ रही सड़क को रुकवाने के लिए दो लोगों का हाथ है, जिसकी वजह से गांव के कई लोग बीमारी की हालत में रास्ते में ही दम तोड़ चुके हैं। उन्होंने मांग की है कि गांव वालों को सड़क जल्द बनाई जानी चाहिए। अगर सड़क डुगाड़ गांव को नहीं बनती है तो सड़क जहां से शुरू हुई है उसे वहीं से बंद कर देंगे, और सड़क नहीं बनाए जाने की स्थिति में ग्रामीण भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। वहीं डीसी हमीरपुर ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि सड़क के बारे में विभागीय अधिकारियों को निर्देश देकर समस्या का हल करवाएंगे। गौरतलब है कि बड़सर के गांव डुगाड़ को जाने वाली सड़क को बीच में ही कहीं रुकवा दिए जाने पर डुगाड़ गांव के लोग खासे परेशान हैं और दिन रात पिछले काफी सालों से पूरी तरह से प्रभावित होकर रह गए हैं। हमारा जो गांव के लिए रास्ता, वो एक नासूर बन गया है पूरे पूरे ग्राम वासियों के लिए, समस्त बुजुर्गों से बच्चों से लेके सबके लिए, स्कूल वाले बच्चों से लेके बुजुर्गों से लेके सभी के लिए रास्ता नासूर बन गया है। और इसमें गांव के जो दो यशपाल सिंह और सूर्य सिंह सन ऑफ श्री रण सिंह, उनकी वजह से, उनकी दुरुस्ती चले हुए इस रास्ते को चले हुए 18 साल हो गए, और 18 सालों में पूरे गांव वासियों को इन्होंने परेशान कर रखा है, और इन्होंने मतलब दुरुस्ती का बहाना बना के रास्ता नहीं हमारा पक्का होना, उसमें हर कोई तीसरे दिन कोई गिर रहा है, कोई पालकियों को उठा के बुजुर्गों को हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं, बच्चों को, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, इतनी दुर्दशा है इस रास्ते की हमारे की। और तो और हमारी सारी जमीनें सबकी उसी रास्ते से सारे ग्रामवासी जाते हैं, ये रास्ता हमारे लिए नासूर बन गया है।
18 सालों में इन्होंने इतनी हालात खस्ता कर रखी है ना सबकी कि बहुत परेशान कर दिया हम लोगों को। ऐसा नहीं है अभी वो ये सरकारी रास्ता है, मलकीत सरकारी राज्य सरकारी दोनों तरफ पैमास हो और ये रास्ता निकले, ये कहीं नहीं, ये होने नहीं देते, ये पैमास होने ही नहीं देते हैं दोनों तरफ, ये दुरुस्ती का बहाना करके ये पैमास होने नहीं देते। जो भी सरकारी जो भी आते हैं या दफ्तर से या कहीं से भी पांच प्रधान किसी को पैमास करने नहीं देते, ये बहाना बनाते हैं कि यहाँ दुरुस्ती चली हुई, यहाँ दुरुस्ती चली हुई। अरे पहले मलकीत और सरकारी का पहले वो तो निकालने दो, तीमा तो कटने दो, तब तो आगे की कार्रवाई होगी। ये मापने माप अमापाई नहीं करने देते हैं। और सरकारी रास्ता है वो, ऐसा नहीं है कि किसी की मलकियत है वो कागजों में सरकारी रास्ता, उसको पक्का ही नहीं होने दे रहे हैं ये। जो तो हमारे पास ऐसे हैं जिनको उठाने के लिए हमारे पास आदमी नहीं होते टाइम टाइम पे, हम लेडीज उनको उठा के सड़क के किनारे लेके जाते हैं। उनको इसलिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने घर तक सड़क ले ली है, उसके बाद बंद कर दी है। हमने गांव वालों ने उनसे बैठ के भी बात की, रिक्वेस्ट भी की, सभी बातें हो चुकी हैं उनसे। जो सड़क बनी है वो उनको भी गंदा कर रही है। हिसाब से हमारी यही मांग है कि ये इस रास्ते की दुरुस्ती जल्दी करवाएं, पक्का रास्ता बने, पक्का रास्ता और सड़क हमारे गांव तक जाए। कोई कम से कम 10-15 आदमी तो हमारे तड़प तड़प के घर पे मर गए क्योंकि हमारे पास उनको उठाने के लिए घर पे कोई था ही नहीं। और कांटे डाल दिए इन्होंने रास्ते में, फिर उनको उठाते थे हम तो बोलते कि ये भगवान इससे अच्छा हुआ कि नहीं। जब हमने बोला कि उनके लिए लोग खाने के लिए तो बोलते थे कि हे भगवान हमें ऐसा करो कि इनको भी बोले ऐसा ही होना चाहिए, हर वक्त यही दुआ देते हैं। और मेरे ससुर तो ऐसे मरे, ऐसे मर मर के ऐसे जाते थे क्योंकि मेरे घर वाले आर्मी में थे तो मैंने इनके तरले किए। तो ऐसी बातें करिए, इन्होंने मेरे को ऐसी बोली कि मैं यहाँ बोल नहीं सकती हूँ, ऐसी ऐसी गंदी गंदी गालियाँ दी कि मैं कैसे अपने ससुर को लेकर जाती थी और ऐसे तड़प तड़प के मरे वो उधर। हमें आज भी मेरे को आ रहा है कि मेरे आज ससुर जी हम उनके देखभाल नहीं कर सके हैं और चाय चार पाँच पर जैसे लेते तो तड़प तड़प जाते थे और ये दोनों भाई इतना तमाशा लेते थे कि कोई भी जिंदगी में ले नहीं सकता था। मैं तो इतनी दुखी हूँ कि आने वाले समय में ना मेरे भगवान से यही है कि इनको भी ऐसे तड़प तड़प मरना चाहिए। ये बनाओ कि कुछ हमें गाड़ी के लिए जाना चाहिए और मेरे ससुर आज स्वर्ग में मैं नर्क हूँ, लेकिन मैं इनसे बदला लेना चाहती हूँ कि मैं हमने क्यों इन हमारे ऐसे किया इन्होंने।